समय भूले बनराम समय सजन घर आवे समय भोम छुट जा समय नर थेर बसावे क्या बात है समय डिगावे पुरुष को समय फेर सिर छत्र फिरे अरे बेताल कहे सुन विक्रमा समय फेर नर क्या करे मजबूत पनो रखनो दिल में दिल को दरिया बदरसावनो ना कलना कुलरीत बड़े रन की बिनस्वार्थ बेर बसावनो ना यो उपकार भलो होत है हरीश है तहटावनो ना चिमने सके मर जावनो हंस फेर नहीं आवनो ना तो श्रोताओं तुलसी नर का क्या बड़ार समय बड़ी बलवा भीला लूटी गोपनार वही अर्जुन वही बाण सदा रंक नहीं राव सदा ना मृदंग बाजे सदा धूप नहीं छाव सदा ना इंद्र गाजे सदा ना जोबन थिर रहेर सदा ना काला केश बेताल कहे सुन विक्रमा सदा ना राजा देश तो सत्यवान सावित्री को भजन है जिया थारो सुनो डो बिया तो कड़ा ना गाई जाए बाकी कोशिश करूं और देखन दाग नाल की बात कौन की बार स्वभाव कोई अलर्जी हो जावे भी साफ सुन आदमी देखन लाग जाए एर थे ही सुन नाला थे ही जद यहां कर सुनी जद मारे कोई बस की बात कौन की तो तुरम खान लिए वो कौन गाश का गाउन नलो सभा प्रिय सभा आदत सुन करके जे बिने नए गादन बिन ग्वाले ऐ कह हमारा ठैसे ही बैठे एक श्लोक को अनुवाद कौन करे धारा जागनी ज्यादा तो मैं की गोंदणो परमात्मा की कृपा लेकिन कई कई महापुरुष है संत संगत तुलसी इन संसार में भात भात के लोग सबसे रिल मिल चाली सदी नदी नाव सुनो संजोग सालम देश का राजा दुम्बत सैन रानी का नाम सभ्या प्रेमी श्रोताओं राजा दुम्बत सैन के राजपाट में कोई चीज की कमी को नहीं कमी के चीज की धन दौलत घणो मोगलो लेकिन संतान कोनी ससी बिना सोनी रेन ज्ञान बिना हिरदा सोना कुल सोना बिना पूत पात बिना तरवर सोना अरे अरे गद सोना बिना दंत नीर बिना सागर सोना सोना घटा सुनी बिना दाव ने कहे विक्रम बेताल के घर सोना कामनी कुल के माए की पुत्र ना हो तो सुनो मास्टर जी क्यों तानी आंख पाड़ता पाड़ता एक वे कदी भी ऊपर लो जार कदी भी नीचलो ही और उन्होंने भोपा का डेरा हमारे को तीस तीस टाबर हुए बाकी की कोई नहीं राधा दुमत सैन मन में सोचो अपना संतान को नहीं तो राधा दुमत सैन के विश्वास पात्र मंत्री चोड़ाराय नाम को भी चोड़ाराय मंत्री ने विश्वास करके राजपाट को संपूर्ण अधिकार भी नहीं कर कलमा द्वारा सौंप दे प्रेमी सजनो अनीति से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला चला गया रावण के रूप कंस
थोड़ा राय मंत्री मन में सोचो ई राजा के संतान कोनी एरो अड़ंगो आपन दे दियो ठीक है आपन राजा आरो घड़े घना दिनाओ कोनी ऐसे एक वर्ष हो रियो कई दिन गोपी चंद गाजी दिन बाद में समान आपनो योगी मन के अंदर भावना प्रकट हो लेकिन पुत्र की लालसा तो था अपन अंत समय जब तक रह जी एक दूत हो जा तो खी अरे विद्वान ब्राह्मणन बुला करके राजा तुम उससे एक पुत्री स्त्री करवावे पुत्री स्त्री के अपन प्रताप सिंह राजा दुमत सेन का एक संतान हुए ब्राह्मण नक्षत्रों द्वारा उस लड़के का नाम सत्यवान रखे प्रेमी सदनो सत्यवान दो महीना हुआ तो छह महीना उस लागे छह महीना हुआ तो बारह महीना उस लागे क्यों भगवान की देवड़ी चीज यहाँ के लिए थोड़ी हुई वाह जी वाह अब थोड़ा रहे मंत्री मन में सोचो कभी एक तो संतान होगी और राजपाट अपना कोई कुशक हो जेव तो कोई न कोई उपाय करा के करा कहीं राजा और रानी और एक पुत्र सत्यवान तीना ने मार दिया तोड़ूंगा अपने ही उन्होंने राजा दुमत सेन का भी कारण मग देश को राजा अश्वपति बांगे भी हो करण बांगे एक लड़की भी बिंगो नाम सावित्री रखी हो अरे अब थोड़ा राय मंत्री मन के अंदर आ भावना प्रकट कर ली के राजा और रानी उत्तर सत्यवान तीना ने मार दिया लेकिन प्रजा के अंदर के अच्छे आदमी अच्छे आचरण वाले थे उन्होंने मन में सोचा राजा को नमक खाए हुए नापा वृथा दान देने काम की बात को राजा दुमत सेन ने कहा महाराज तन्ने और तेरी रानी और तेरे पुत्र सत्यवान ने मारने की तोड़ा राय के मन के अंदर भावना प्रकट होगी वाह वाह राजा दुमत सेन मन में सोचो राजपा आपना हाथा द्वारा दीड़ है आपने कन की चीज को नहीं अब समय है समय को उतार तो आवे जी मारे तो मारे जीव तो आपने कोई और उपाय सोचो सोचो अर्धरात्रि के समय का वहां महल की सुरंग द्वारा राधा दुमत सेन रानी सभ्या पुत्र सत्यवान यो पारा जाए पनखन वियाबान जंगल के मा करके इसी प्रकार अपना अपना दोस्त देवी अपने यहां होने वाली कोनी पण के इलाज अरे समय नगरी का बस तारा भगवत रुषा भीख मंगावे शीश
प्रावे शिव सन का दिक पार ना पावे प्रभु की लीला का पता ना लावे कवि लक्ष्मी राम यूं कथ के गावे पुत्र सत्यवान महल की सुरंग द्वारा बियाबान बनकंद राजा जिया लोहनगढ़ को राजा चंद्र सिंह नगरी छोड़ करके उसी प्रकार राजा दुमत सेन रानी सभ्या पुत्र सत्यवान सत्यवान बेटे 12-13 वर्ष को बतावे है देखने वाला 20 वर्ष को तो लागे बियाबान बनखंड जंगल के मां आती से भयंकर रावणी वाले जानवरों की ध्वनि सुनकर के सत्यवान मनगंद्र भय प्रकट कर आखिर में यो भी सोचते हैं भाई इनसे डरने में क्या फायदा अपना काल है तो ये भाई बंधु है तो यही है अरे श्री सत्यवान पापा के दुख बांटने वाले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले ओम का भजके
ਪਿਆ सत्यवान का कदे कदे तो राज भवन में ताला था सब तजके अरे लकड़ी काटन वाला बन गया एस अमीरी तजके तजके कपड़े लत्ते फाट गए ने छड़ा में उलझ उलझ के अरे बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का बजके अरे साथ रहनिया आद भगत पर नाटन वाले हो गए राज करनिए बालक लकड़ी काटन वाले हो गए श्री सत्यवान मां बापा के दुख बांटन वाले सत्यवान के टाइम की बात टाइम तो खो अरे बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा बिगड़ी हवा में मां के दाए भाई न्यारे हो जा कोई भी नापाश गंदे शत्रु सारे हो जा हो जा अरे विपत पड़ी में राज करनी है लकड़ा हारे हो जा साथ रानी आज भगत पर डांटन वाले हो गए राज करनी है बालक लकड़ी काटन वाले हो गए श्री सत्यवान मां बापा के दुख बांटन वाले हो गए तो सत्यवान मन में विचार करो लकड़ी काटने वाला तो हो गया अपन काटा क्यों आपने दिया करो सारे शहर रतनगढ़ लागे रतनगढ़ बरगे शहर का मां सत्यवान जावे एक लाला जी नाम से उन्हें जाकर के बतलावे लाला जी मैं हूँ गरीब आज लाले दया कर दिए टोटे में दुखी या के लते गिर में धरे
एक रस्सी को लड़ा दे दे सत्यवान आबाद के तो लाला जी कह भाई यही कह दे दू जानो मैं पहचानो नहीं कोई पीछो में टको ने ए लाला जी कदे हम भी राधा थे भोपाल आज हम होलिए बिन पैसे कंगाल थे 9 करोड़ के लाल आज मिट्टी में गिर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए तुम वो लाला है मन देख करके सलूट मारा करता पर आज मेरा वक्त सही नहीं मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की सबने गर्द पेट भाड़े की एक रस्सी और कुल्हाड़े की हां भी भर लिए लाला जी के तेरे पैर नाला जी का वस्त्र है ए गिरवे रख दे तने रस्सी कुल्हाड़ा दे दूं दान में तू जरी लागुड़ा पोशाक है हीरा बन्ना लाल द्वारा लागुड़ा आज बाडरे सोए तो 50,000 रुपया गुन मिले बाबा बापोसा गिरवी रख करके सत्यवान एक रस्सी कुल्हाड़ा लेकर के आ जावे महीपति रीत बिना होती बूझ नहीं खेती बिना निपजे बीज नहीं चंद्र सतगुरु देसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए सत्यवान बीबन का माल लकड़ी काटने वालों काम प्रारंभ कर दे ताल को पर लकड़ी बेच करके आपको आटाड़ो जुगाड़ बनानो शुरू कर दियो कुछ समय बदित हो जावे वाह वाह कभी की कल्पना है सत्यवान की भी बन गया मां कुछ सर्विस भी पुरानी हुई है अठीने सालम देश का राजा मग देश के राजा अश्वपति की लड़की सावित्री भी शादी के योग्य हो जी राजा अश्वपति सावित्री का वास्ते बड़ा बड़ा विद्वान ब्राह्मणा ने बुलाया देश विदेश को ब्राह्मण भी करावे लेकिन सावित्री के जोड़ी को वर नहीं मिले कोनी मिले तो सावित्री विद्वान थी उनके साथी भी भगवान थे तो सावित्री आपके पिता राजा अश्वपति ने कहने लाग जे पिताजी अगर मैं मेरी जोड़ी का वर स्वयं टोकर के लिए हूं तो कोई आपत्ति की बात को नहीं राजा अश्वपति के बेटी यहां लो काम हो तो कर लेन मैं तू दापुड़ा तो किया सावित्री घर रवाना हो एक प्रकार सावित्री ने सुगुन वेर की कभी कल्पना करी ले जानिए सखी सहेलाना लेकर के वृद्ध वृद्ध मंत्रियों को लेकर के बूढ़ा बूढ़ा मंत्री लिया
साउत्री ने सुगन हुए काला कुत्ता कान हड़ता कुत्ते कान फड़फड़ा दिए साउत्री मन में सोचो जी वो बेचारा कौन है क्यों भगवान पर साउत्री ने विश्वास हो क्यों विद्वान है काला कुत्ता कान हड़ता आड़ी फिरी बिलाई मन में सोचो बिल्ली है आ गए इन छोकरे बिल्ली का करे आ बिल्ली दौड़ी आ अपना की करे तिलक में होना मिलिया पांडिया खुले केशा नारी मार मुल्क में मिलिया चौधरी उंदे गड़ा पणियारी मूंड मुंडाए मिलिया पांडिया बिन मुद्रा राज होगी अरे छुरी मार गतराड़ा मिलिया सामे मिलिया सोगी वाह वाह सावत्री बाट मई उबी लीना सुगन बिचारी लाली इधर ढूंढिया मिलिया खोटा सुगन कवारी हे भाई अरे सिर के ऊपर कौवा बोलिया बोली पार गई मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जय सावत्री इसी प्रकार ए अब सुगन दे के फिर भी सावत्री मन में सोचो भगवान रख सके तो कोई चीज की दिक्कत को नहीं तो जोड़ी को वरटोन खातर सावत्री कठुन लेके कर्तक को भ्रमण करिए की कवि कल्पना करिए की आपनी राम सभा सुने देखो ये बाता करे खंड हरि खंड मायक घूम के तू माल गई जम्बू करो शाक सालमपुरी श्याम दीप तत्कार गई जम्बू करो शाक सालमपुरी श्याम दीप तत्काल गई मगधी देश की आस छोड़ मगधी देश की आस छोड़ के नेपाल
पड़ताल भोपाल गई पंडर बिहार यूपी सिटी हैदराबाद बंगाल गई पंडर बिहार यूपी सिटी हैदराबाद बंगाल गई खावन पीवन का लेके सब सामान
भारत खंड ही खंड रुमायक घूम के केतु माल गई जंबू क्रोध साक्षालंपरी श्याम दीप तत्काल गई मगध देश की आस छोड़ नेपाल ताल भोपाल गई पंजाब बिहार यूपी सीपी हैदराबाद बंगाल बंगाल गई मन चाहिए भी की हुई कोना छोड़ के हिंदुस्तान चली ओढ़न पेरन खावन पीवन का लेकी सब समान चली कलकत्ता समुद्र पार गई ब्रह्मा और रंगून चीन बगदाद एशिया से बार गई वाह वाह तुर्की विलोक सिस्तान कोरिया सिंध काबुल गंधार गई इन मुल्कों में काम सरेना सती फिरती फिरती आर गई इंग्लैंड मिस्र इराक घूम के अफ्रीका ईरान चली अरब कंट्री में चली गई साउथरी कठुल्ले के कर्तव्य को भ्रमण करे की कभी वर्णन करी दिखान हरियाणा से यूपी होकर देहरादून की सड़क गई क्यों घूम के अफ्रीका ईरान चली ओढ़न पहन खावन पीवन का लेके सब सामान चली साउथरी मन में सोचो अरब कंट्री का मातो की गोनी
जेवे तो गावा का नहीं ढल हाँ एरिया का ढली है नगर के सिवा गावा ना तो जगह साउथरी बनवास की आखिर में दापड़ी के करीब बन का माच ली गई मिल सी तो ठीक है ना मिल सी तो बन का माँ बैठ दिशा रे एक आसन बैठ करके भगवान का नाम लिश ईशा बन का नहीं चाली यहाँ को नहीं आज गलत में लबो ना लत दोर से आ बात को नहीं सती है हाँ नगर के सिवा गावा ना तो जगह साउथरी बनवास गई अरे भूमंडल पर पति मिला ना मार शबर का सांस गई गुरु मंगल चंद के साउतरी की बन में पूरी आस वही सत्यवान धा लकड़ी काट रहा भाग दौड़ कर पास रही सत्यवान लकड़ी काटने लाग रहे हो आपकी सखी सहेलियां के अब अपन अति दूर जानो है वो लकड़ी काटने लाग रहे नहीं वो मारे लायक है बे सागाड़ी सकी सेले मन में सोच ले भाई खोड़ माग पास करे वो चोखो कर तो लियो मैं मन में सोच गई बिरासी उम्र बीत जी गुरु चंद्र लाल के निगे सरे पर बनकर तक्षण बाण चली ओढ़न पैरन खावन पीवन का लेके सब सामान चली जोड़ी का वरदान खातर सावधरी धर ध्यान चली चा पी ली पुण्य आत्मा तो सावधरी बैठे हो जाओ तो यहाँ आटा पट गया देखो बुढ़ा बुढ़ा आजा मैं तेरे चरणों की दासी बनकर के रहूंगी सत्यवान मन में सोचो तेरी जय वह सांगा की लकड़ी काटन लाग गया और बनगा मा गया तो ये ओके पंगु आ गयो लारो कौन छोड़े अपतागी अरे पेड़ से नीचे आ जाते रे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी दर्शन की प्यासी ओ भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी Oh,
पति की जाई हूँ। हे भगत देश में रहने वाली सब पति की जाई हूँ। होगा मान संदा पूरण वासी संदा बान वन खंड में डोलन का एकली का की कान तेरा। सावित्री के तेरी मेरी दोनों की मिल गिरे राशि। भरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। सावित्री के लकड़हारा शहर ग्रह ग्रह ग्राम छोड़ के बियाबान में आयु शहर में कत्ता देकर कई तंठाए भाई। शहर ग्रह ग्रह ग्राम छोड़कर बियाबान में आयु मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जय। उदय होगा भान चंदा पूर्ण वासी। भरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। श्याम सलोनी मृग नैनिया रूप की झड़ी बेरा ना किस फुर्सत से वे माता ने घड़ी। गुरु बहादुर सिंह का सारा ले गुरु नाथ सिंगासी। भरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। सावित्री इसी प्रकार सत्यवान ना बात की तो सत्यवान के सावित्री तेरी बात सुनकर के मन थोड़ो थोड़ो प्रेम भी हुए पर बात इया को नहीं तो सावित्री तेरी बातों का और मना भोत सा प्रेम 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 पिता मात के कहे बिना मन सधीकरण का नेम। ए सावित्री तेरी बातों का मने बहुत सा प्रेम पिता मात के कहे बिना मन शादी करण का नियम। अगर मेरा माँ बाप मन न कहे तब तक मैं शादी को नियम है करूं कौन शादी अब कह के देख लो दिखाओ। सावित्री के लकड़हारा तेरा माता पिता कटे बांकने चला अरे अनुमति दे दे फिर तो तुम शादी कर लेगी बोला बाद की बात।
धरेश्वरी का धाम शावतरी के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। जति सती तल दिए धरेश्वर का धाम शावतरी के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। रानी सभ्या रानी सभ्या सत्यवान की माता नेत्रहीन और सावित्री जाकर के रानी सभ्या ने कहने लाग जे समझावे क्यों है अब सही है का बदला माएगा सही है नहीं तो वाह सावित्री का समझ सम्मान सभ्या रानी सोतती सावित्री को सत्यवान। सावित्री कहने लगी सुन सासू समझ सम्मान सभ्या रानी सोतती सावित्री को सत्यवान। रानी सभ्या मन में सोचो सत्यवान आयो है क्यों आवाज सुन करके कह आ बेटे सत्यवान तेरे तो हुई आनंद आत्मा मेरी सावित्री के सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। मन में सोच रहे लड़के ने बतलायो लड़की बोलाई है के कोतक से दिया।
सावतरी बहु बड़े भगवान की जय हो। आ बेटे सत्यवान तेरे ते हुई आनंद आत्मा मेरी। सावित्री के सासु देव वरदान सावित्री बहु बनस तेरी। रानी सभ्या के सत्यवान के बहु कने से होई सगाई को ना सावित्री के बेटी। ए माता तमने सगाई ना करी तमने शादी भी न करी। सत्यवान के बहु कने से होई सगाई कोन्या। मैंने भी सासु अब तक शादी करवाई कोन्या। लाइडी सारी तो कुमारी है की इड्डी फेर की डी भूखे। यो कुल सा खोट हो गया बाप ने बेटे जाई कोना। यही खोट माता मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोन्या। बोले अच्छा मार लो थोरो लादियो तने फोड़ मलू। हां लकड़ी काट तो। अरे सौ समझ के ब्याह करवा बेटी कदे हो जा डूबा डेरी। सावित्री के सासु दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी। तो रानी सभ्या सावित्री ने कहने लाग दे बेटी तू की है कि तेरे नाम पिता को है अर कौन सो तेरो गांव है। गांव है पहले एडो टेडो तो बता भी के बाद में को देख क्या भी ब्याह कर शाक न कर शाक।
ठाकुर भगवान की जय हो। कौन कड़े के रहने वाली बेटी के नाम तेरे बाप का सावित्री के हे माता मगध देश का अश्वपति वो समधि बनता आपका आपका राजा अश्वपति मगध देश को राजा भी कि मैं उत्तरी हूं सावित्री मेरो नाम है। ए बेटी कदे झूठ बोल के दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खांप का सावित्री के माता झूठ को नहीं बोलू मात देखनिया पुन पाप का वो परमात्मा देखे मैं सचियों बेटी तो के बेटी सोच समझ के ब्याह करवा सावित्री के माता साप आत्मा मेरी सासू याद ना हेरा फेरी सासू दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी आ बेटे सत्यवान तेरे ते हुई आनंद आत्मा मेरी प्रेमी सदनो सावित्री आपको रिश्तो पक्को कर ले और पक्को कर गए कहने लाग जाए भी नम्मी वाला दिन बरात ले गए आ जाइयो राजा अश्वपति की लड़की आप बात कहे तो सावित्री की माँ सासू सत्यवान की माता रानी सभ्या और पिता दोनों के बेटा जान दो नो तुम्हारे की बे में तो तीन हा दो तुम्हें आंदा ना बाकी वो एक है जान मान ले प्रदान मान ले तो आ तो थे और क्या खातर हो तो थारो काम तो ही प्रेमी सदनो बाल से आल बुढ़े से विरोध कुलक्षणी नार से ना हसिए गुलाम गिरी नीत की संगत ओघट घाट नानसी कवि गंग कहे सुन श्या अकबर झूठ से दूर सदासी बाबा प्रीत के रीत अतीत क्या जाने गुड की बात मुड क्या जाने काग का जाने दही को मौत का जाने जवान बही को भैंस के जाने खेत सगा को कवि गंग कहे सुन शाह अकबर कधा के जाने नील गंगा को बाबा सावित्री आप बात भी कह करके मंत्री अंग सागे आपके भी रुझे और आपके गांव आज टाइम थोड़ी लागो बयान ये टाइम तो आकान बताना आ कलाकार लगे हो बाकी टाइम बत्तो को नहीं तो सावित्री तो ये तो स्त्रियां जीडी हाँ उठियो आए भी टाइम का मां राधा अश्वपति की नगरी का मां ब्रह्मा जी का पुत्र देवता का ऋषि नारद जी महाराज आ जाओ हाँ। नारद जी महाराज आ जावे और राजा अश्वपति ने कहने लागे महाराज तेरी जो लड़की वर देख कर कही उस लड़के के अंदर कमी नाम की कोई चीज नहीं अरे वो रिश्तो और वो ब्याह करुणो को नहीं मिंग संग अरे कमी को नहीं करुणो को नहीं के चक्कर है नारद जी कहे ए महाराज उन लड़के की उम्र कम है 365 सी 1/4 दिन 12 महीना की अवधि है एक बाद में गोपीचंद गाजो को आबा नारद जी महाराज
सावत्री ने कहे सावत्री तुम जो रिश्ता कर का वो रिश्ता कैंसिल कर दे। सावत्री कहे क्यों महाराज? उस लड़के की उम्र कम है। सावत्री कहे महाराज कितनी है? बोले 12 महीना 1 साल। बोले बहुत है। पतिव्रता स्त्री ने अगर पति की सेवा खातर 12 महीना मिल जाए तो पता चल जाएगी। फेरा कितना लगे? परंपरा के अनुसार 4 फेरा लगे। धर्म अर्थ का मोक्ष 3 फेरा का मां स्त्री आकर है। चौथे फेरे में मोक्ष वाला टाइम भी मलडू लागे कर दे। इन सेवा कर सी तो तेरी मोक्ष है। अब पति ने क्यों फिर लेवे ज्ञान? पति ने राम बराबर जान। मारे सेरा राम जी ढूकिया भजन बनायो कि क्यों फिर लेवे ज्ञान? पति ने राम बराबर जान। अरे अगर पति की सेवा करे तो बिंग लिए वो परमेश्वर भगवान भी। इन वास्ते 4 फेरा में चौथे फेरे में पुरुष ना आगे करे, 3 में स्त्री आ गए। तो आ बात सावित्री ने ध्यान में ही कि आपा पतिव्रता धर्म को मर्यादा को पालन करशा और पालन करशा तो 12 महीना अपने लिए काफी है। अरे तो सावित्री कहीं कहे के कवि वर्णन करे हे जानिए अरे सती का धर्म नहीं छोड़े सात पति का सती का
विष्णु भगवान की जय हो। सती का धर्म नहीं दो छोड़े साथ पति का। नारद जी ने वचन सुनाया, ए सती एक साल का जीवन बताया, अरे सावित्री का धर्म डिगाया, कहने में कोई शर्म नहीं, फर्क ना एक रति का। ए सती उन लड़के की उम्र इतनी ही वास्ता तन में रुकू, बाकी मेरे तक ही दिखती। सावित्री के महाराज लकड़ी काटता मिल गया वन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में, जैसे तंदा तम के गगन में, कहने में कोई भरम नहीं फर्क ना एक रति का। सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। महाराज 12 महीना है, बोले हाँ। अरे पतिव्रता स्त्री हुए ब्रात आओ रस्ता का मैं एक्सीडेंट हो जाए बता बाकी गड लग भी नाम तो ठीक है पतिव्रता होती भाई कौन ढूंढती हा सही सही जद के सावित्री और रिश्ता कैंसल कर दे। सावित्री के दत्ती पुरुष की होती है एक ना, हमने उस सत्यवान को पति मान लिया और पतिव्रता स्त्री को एक ही पति हुए, ये वास्ते हमने उस सत्यवान को मान लिया। मैं किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगी महाराज आप कुछ भी को। अरे देव ऋषि नारद जी महाराज आपके आसन पर विराजमान हो जावे और टाइम वो दिन नम्मी ओड़ा आ जाए बरात का इंतजार का मां बैठे बरात बताओ किया पहन गए तन के ऊपर कपड़ा भी कोनी अरे आज आग लो के शाब्द को नहीं क्यों बिखो बुरी संसार में डिग गया राज राजा नलका।
परिषद नो सत्यवान के तन को ऊपर पूरा संपूर्ण वस्त्र भी कोनियो लेकिन समय को राजा की समय बिगड़ गई पुष्कर से वादी आरार माल खजाना भया बिगाना बन का वास किया प्यारा भुना दित्र वे भी उड़ गया समय आया दब ललकारा। अरे नारी नवेली छोड़िए के लिए उनका हाल कहूं सारा आ क्या कंडीशन सत्यवान की प्रेमी सन्नो सत्यवान राजा सभापति के दरबार पहुंच जावे और जाकर के वे अपना कैंपर पानी वाला पड़ा नहीं बत्ती दूर मैलू बैठ जाओ वाह वाह भी जावा कुकरी रावड़ा का मां आपने तन को ऊपर वस्त्र भी कोनी पूरा और नेट ब्याह के मायार बीना संकोच हो जा हिम्मत कर ली मोटार हूं समय ब्रात का इंतजार करना राजा मन में सोचो बड़ी भारी जोर भी अब कीर्ति हुई है छोरी का कहना शिवरा मंत्र कहना वहां पाड़ूंगा देवर दियो आप फतम आ गया अभी आपने जो कोई बात हुआ तो उन्होंने कोई बुला लिया अब वो सागी ना हुई आ गया गोबर बात खत्म लगी प्रेमी सजनो उन्हें बुना ध्यान करे वो कैंपर वाले जी क्या मोटे आर बैठे सावित्री आपकी सखी सहेला ने कह वो कैंपर के सारे बैठे नी बानो ने बुला के जा अब लावे जाओ जिनके थन भाई बुला है बोले की बात है बोले टाइम हो गयो नी क्या कपड़ा को नहीं बोले कोई बात नहीं भाई व्यवस्था मारा ही चट्टी है क्यों टाइम यहां गयो अब यहां के दिन कच्चा कपड़ा ही मेजा सॉरी मेजा बड़ो माद ने बुझो अरे पर समय सत्यवान ने बुला करके सुंदर वस्त्र धारण करावे और राजा को लड़को कम थोड़ी समय की बात सत्यवान और सावित्री का फेरा हो जावे जगह टाइम सावित्री ने सत्यवान के साथ रवाना करे बी टाइम सावित्री ने नारद जी के कहती बात याद ही बोले पिताजी जो भी धंधा है वो बाद में कदी ले जाऊंगा लेकिन आज तो सिर्फ कन्यादान मोटो धर्म को कोई दे दो और आन दान और सिस्टम है जिसको आज की परंपरा के अनुसार मैं आऊं कोनी मेरे पति की सेवा करूंगी और आन दा सासु ससुर बांगी सेवा करूंगा यार जे जो गयो तो जरूर आऊंगा इया वतन देख करके सावित्री सत्यवान के सागा आ जावे एक चिल्लम पा दो बोल दो सती नहीं तो ले जा नहीं सकती रानी सभ्या ने जाकर के सावित्री के बोले माता आज मैं लकड़ी लाने वास्ते सागर ले जाऊं थारी अनुमति है तो सत्यवान की माता मन में सोचो एक बारी ले गए करे छोरो आज दो आज एक दिन रेस्ट हो जी आपने जुगाड़ ठीक बन जी कोई बात नहीं बेटा तेरी इच्छा है तो जा तो सावित्री और सत्यवान दोनों लकड़ी काटने वास्ते वन का माजब है सत्यवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काटनी प्रारंभ करे प्रेमी सदनो टाइम पूरो हुए बीते यमराज के यमदूत सत्यवान के ऊपर है हमलो बोल दे और क्या सत्यवान सावित्री ने कहने लाग दे कि आपने राम सभा सुने अरे सावित्री मेरा प्राण काट के चक्कर Amen.
तेरी साधा टूटना जीव यो रे ते माता साखा छोट लीला सुमन काली खून देता पर मैं के करूं लुगाई की जात नीचे हो तो की बात बन जे
हे पति देव पेड़ से नीचे उतरो फिर कोई उपाय सोच सकूं। क्यों फीका पड़ गया चेहरा तेरी मर्द ने मैं जानू से और किसी ने बेरा। सत्यवान के पंत भूत मजबूत कर्म का यहाँ टूट लीना जीव और आत्मा का साझा लूट लीना। दुश्मन मेरी खून गई का चाट चाट खारा सर काया कामा भड़कला गिरी चक्र सा आवश ऐसावत्री मेरा प्राण काट के ले जाना चावश। सत्यवान कोशिश कर गए क्यों करत करत वैसा अभ्यास दड़मती होत सुधा रसरी आवत जावत सिल पर करे निशाना अभ्यास करने लगी कदी हार नहीं हुई। एक पत्थर की शिला को ऊपर रसिया जी की निशान बना देती क्यों कुआ का मां पानी काटता हुआ जेउड़ी जानती भी चाट को ऊपर रगड़ी जानती निशान बन जाऊं वो अभ्यास हो गया। इसी प्रकार सत्यवान नीचे उतरे और सावित्री आप गए गोड़ा में सिर दे करके सत्यवान में बैठ जावे और अठिना यमराज के यमदूत सावित्री के सगे बातचीत करे क्या कभी कल्पना करी है ता पीणो को टाइम तो कोनी है पुरानिया तो कोन पीता है टाइम बात ब्याह के लिए अपने घरे काम वानी कोई काम सगी क्यों सत हटाओ धरती नटी मित्रा छोड़ी प्रीत इंद्र छोड़ो वर्षनो राजा छोड़ी रीति क्यों छपनिय के काल पछे कलु को प्रवेश हो गयो भाईचारो रहो को घर घर में कलेश हो गयो बेईमानी अत्याचारी अन्याय नरेश हो गयो आगी टाइम पोल चलाने की बिगड़ गई हवा जमाने की। सावित्री किसा गए यमराज गए यमदूत के सावित्री तेरे पति के प्राण लेने के लिए सावित्री के तब तक सावित्री जिंदा रहेगी तब तक अपने पति के प्राण नहीं ले जाने देंगे। सती ही और सती के तप गा गए सत गा गए यमराज के यमदूत भी डरे क्यों मुखार बिन सो अग्नि फेंकनो प्रारंभ कर दे सावित्री यमराज के यमदूत मन में सोचो सत्यवान का प्राण के लेना आया अपनी जान खतरे में आ तो 3200 वोल्टेज मा गए 33000 वालों मन वापिस चला जाए यमराज जी पूछो आपके यमदूता ने भी प्राण लिया कौन सत्यवान का बोले महाराज वा सती है मुखार बिन सो अग्नि फेंकनो प्रारंभ कर दियो मारी की जान फालतू थोड़ी थैली हो तो सोरे ले जाते सत्यवान के प्राण के वास्ते स्पेशल यमराज जी अपना यथास्थान तक करके आते हैं किसी प्रकार कभी कल्पना करिए। अरे यमराज आए सावित्री सावित्री नाम प्रभु का रट सावित्री मो
की पिया की प्यारी है भक्ति की सावतरी तू पे धरती की पिया की प्यारी है भक्ति की दया करो जरा मेरे पति की सावित्री तेरे पति के प्राण के वास्ते मेरे को आपको वाणा पड़ा सावित्री के महाराज फिर क्यों जय आ गया पाछो कौन जाए जे थारो के नहीं सावित्री तेरो पति बड़ता धर्म और सत देख करके मैं मजबूर हो गया हूं यही कोनी तो और वो नियम कोनी होगा भी मेरा यमदूत ही आकर के प्राण ले जाओ हर प्राणी का लेकिन ये सत्यवान का ले जा कौन से क्या जद मनानो पड़े ए सावित्री मैं मानू तू पतिव्रता धर्म न जाने और पति की सेवा भी करी अरे सावित्री के महाराज जिस तरीके से आपके यमदूत हैरान हुए थे उसी तरीके से आप भी पवेली में लौट जाओ जब तक सावित्री जिंदा है तब तक अपने पति के प्राण कदापि नहीं ले जाने देंगे सावित्री आपका मुखारबिंद से अग्नि फेंकनो प्रारंभ करे यमराज जी कभी थल्लो हाल जे मन में सोचो ले जान तो गुंदे पिंडी दुजन लागे यमराज जी सावित्री ने कहे सावित्री तेरा पति का प्राण कौन ले जो मैं कहूं जिको काम कर लेगी बदलेगा मां कोई चीज मांगो बात दे दे के ले आ गया आखिर लुगाई की जात की बढ़ाई थी सती ही फेर भी मन में सोचो यमराज जी कदे झूठ थोड़ी बोले षड्यंत्र थोड़ी रचेगा इन बात पर विश्वास करो एक पौधो लगाओ भी पौधे का सुंदर फूल लगा करके यमराज जी के सावित्री जब वो कुछ अंग पर लाना के पौधो उगड़ो अभी ऊपर फूल लागे अभी फूल ला दे तेरे पति का प्राण मैं ले जाऊं कौन वो फूल लेकर के यमलोक जरूर जाऊंगा अरे श्रोताओं सावित्री फूल लाने के लिए जावे और यमराज जी सत्यवान के प्राण निकाल करके चला जाए वाह आ करके सावित्री सत्यवान न देखे मुंह में बालोड़ी कीड़ी बड़े निकले मन में सोच रहा अन्याय कर दियो धोखो करे चलो कोई बात नहीं जान गोंद सावित्री सत्यवान की लाश लेकर के आपके कंधा पर रख ले और अपना अपने दोस्त देर जो भागे न क्यों और सागे के यमराज जी को भी दोष दे और भगवान ने प्रार्थना करे सती भगवान सारस्वती जोड़ी में बिछड़ा
संकल्प विकल्प करती करती सावित्री यमराज जी का पीछा करती है और अपने भाग्य को दोष दे रही है। अगर वो फूल लाने के लिए नहीं जाऊं तो पति के प्राण कदापि नहीं जाए। आता कीजिए दो काम कीजिए किन दे दोष, खुद काम करो दोष क्यों दे। अगर ना जानती तो क्यों होती। उसी प्रकार सावित्री और विचार विमर्श करे क्या कभी कल्पना करिए दिखाण तो अरे जो भाग लिखी सो क्यों नींद नचीता सोवे रोवे बन में अकेली तेरी नार Yeah.
इसी प्रकार सावित्री यमराज जी का पीछा कर रही है, मुख से अग्नि फेंक रही है। यमराज जी आपके यथास्थान के मुख्य दरवाजे की तरफ पहुंच जाते हैं और सावित्री को पीछे देख करके मन में सोचते भी है तो पीछे से आ रही है, ये तो यहाँ का कोई नियम नहीं है, एक के साथ एक फ्री, ये तो कोई यहाँ का रूल नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन होगा, फिर आगे भी ये बात देनी पड़ेगी। अरे यमराज रुक जाते हैं और सावित्री को कहते हैं, सावित्री तेरा और तेरे पति का प्रेम बहुत है, इस बात का मैं मान गया, पतिव्रता धर्म तूने जो कायम रखा वो किसी ने नहीं रखा, इस बात का मैं तय दिल से कहता हूं, परंतु मरी लाश में ना जान दोबारा। यमराज कहते हैं सावित्री को, मरी लाश में न जान दोबारा ना खाली जा सावित्री, पति तेरे के हाथ दौड़ के खाली जा सावित्री। पति तेरे के हाथ जोड़ के चले जा सावित्री। सावित्री के नहीं मारा, मैं अपने पति को जिंदा लेकर के जाऊंगी,
यमराज जी मन में सोचो बात तो आगे उसे की नहीं। अरे ये कौन जान दे। हाँ जोर को यमराज जी सावित्री की बात सुन करके और मोर प्रेम न दे करके प्रसन्न हो जाए। बोले सती तन में तीन वचन दे दू, तेरे पति का प्राण तो मिलेगा नहीं, बाकी तीन वचन दे दू तो मांगे जी की चीज मांग सके। पति प्राण सवा सब कुछ मिले और दिल में राख यकीन, यमराज कहे सती तन वचन एक दो तीन। ए सती तीन वचन दे दिया था, अब तू मांग ले तेरे पति का प्राण तो तने मिल गुन सके, लेकिन तीन वचन आगा मातरों की मांग दे जगी चीज मांग ले। तो तीन वचन मरवा के सावित्री के मांगेर की कभी कल्पना करिए। चल दी वरदान रे सावित्री के, यमराज जी चल दी वरदान वचन भरवा के सती ने कर दिया सुनु बयान, सावित्री के यमराज जी चल दी लकड़ी ने
शरण में दे दियो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान ने जाकर के अरदास की, बोले महाराज सती का आगे मार गो। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हार गया मैं ही हार सा आमनाल वक्त का मां तो आ मांगे जी अंदर दियो इति बातें में भलाई है तो मरे हुए सत्यवान की लाश का मां सांस दोबारा गला करके सावित्री ले ही अपना भारत देश में भाई इंग्लैंड की कोनी भारत की हाँ वासा मरे हुए पति को जिंदा करके वापिस शिमलोक से मृत्युलोक के अंदर लेकर के आने वाली वह सती सावित्री थी। बोले भक्तों भगवान की जय हो, गंगा माई की जय हो, स्वर्गवासी आत्माओं की जय हो। अब प्याज चा